लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों पूर्व एक नाबालिग युवती के साथ दो व्यक्तियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। नाबालिग को मां ने डांटा, जिससे वह नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। दुष्कर्म की घटना होने के बाद पीड़िता ने थाने आकर शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की, जिसमें दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। फिलहाल एमआईजी पुलिस ने दोनों आरोपियों का क्षेत्र में जुलूस निकाला और उठक बैठक लगवाई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। एक थाने के पास में एक छोटी बच्ची है नाबालिग, 13 वर्ष की, उसकी रिपोर्ट हुई थी उसकी माँ के साथ आगे अभी 3 दिन पहले कि उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया, तो वो अपने एक परिचित भूपेंद्र राजपूत से मिली, तो भूपेंद्र ने बोला कि तुम एक काम करो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कहीं अच्छे धंधे काम में लगवा दूँगा जॉब पर। तो बच्ची उसकी बातों में आके वहाँ घर चली गई। सेकेंड डे जब उसके घर में कोई नहीं था, ये भूपेंद्र के यहाँ पर, ये अपने मालवीय नगर के वहाँ ये गुस्सा मंडी में, तो लड़की के साथ दुष्कर्म किया उसने। लेकिन बच्ची डर रही थी कि अकेली जाएगी तो मम्मी इसको चिल्लाएंगी, तो उसने इससे बोला मेरे एक अंकल को बुला दो, एक कैलाश अंकल थे जो उसके पहले परिचित थे। तो लड़की ने फ़ोन किया और फ़ोन करके कैलाश अंकल को बुलाया, तो अंकल से बोला अंकल आप मुझे घर छोड़ दो, मम्मी डांटेगी। तो अंकल भी उसको ले गए वहाँ पर महक बैठ के पास एक रूम में, और उन्होंने भी उसके साथ, उस व्यक्ति ने भी वही दरिंदगी की दुष्कर्म किया। फिर जब जानकारी मिली बच्ची की, इस पर मामला कायम किया, 376 आई और 5-6 पॉक्सो एक्ट का आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और उनके एरिया में उनको फिर ले जाके उनको वहाँ पैदल, उनको एक एहसास हो कि वो इनकी कितनी इज्जत थी और कितना गलत काम किया है, तो उनके इलाके में ले जाकर उनको फिर वहाँ। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।